नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के सुपौल जिला से आ रही है, जहां बैंक कर्मियों के दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन भी सुपौल जिला में बैंक यूनियन कर्मियों का हड़ताल जारी रहा। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बैंक कर्मियों ने विरोध मार्च भी निकाला। प्रदर्शन कर रहे बैंक कर्मियों का कहना था कि केंद्र सरकार जो सरकारी बैंकों का निजीकरण कर रही है, उसके कारण निकट भविष्य में बैंक कर्मियों के साथ साथ आम जनमानस को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जहां कहीं भी निजी बैंक संचालित किए जाते थे, सभी आम जनमानस के द्वारा कमाई गई पूंजी लेकर फरार हो चुकी है। वहीं महिला बैंक कर्मियों का कहना था कि केंद्र सरकार के द्वारा बैंकों का निजीकरण किए जाने से उन लोगों का जॉब सिक्योर नहीं रहेगा। कोई भी गरीब खाता धारक जो आज तक अपने खाते में 500 रुपए तक जमा नहीं रख पाते हैं, क्या वैसे ग्राहकों का खाता संचालित हो पाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे ग्राहकों का या तो खाता बंद हो जाएगा, या फिर जो खाता धारक 200-400 रुपए अपने खाते में रखते हैं, वे बैंक के चार्ज में काटकर खाता को बंद कर दिया जाएगा। अब देखना यह लाजमी होगा कि बैंक कर्मियों के इस धरना प्रदर्शन से केंद्र सरकार की नींद खुलती है, या इसी तरह आंदोलन का दौर बैंक कर्मी जारी रखते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। वित्त मंत्री होश करो, होश करो, होश करो। निजीकरण की नीति वापस लो। प्राइवेट करने से क्या दिक्कत होगी आप लोगों को? प्राइवेट करने से जॉब सिक्योर नहीं होगा। अगर यही करना होता तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते, और गरीब जो 500 रुपए नहीं रख पाते हैं अपने बैंक में, ये बढ़ा दिए जाएंगे, 5,000 कर दिए जाएंगे। हर चीज़ के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। हो सकता है बैंक घुसने का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्या बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव दिया है सरकार द्वारा? प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकर्स यूनियन के आह्वान पर हम सभी बैंक कर्मी दो दिनों की सांकेतिक हड़ताल पर हैं। ये बैंक को कहता है निजीकरण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम लोग परेशान हैं। यही अच्छा बात है। क्या दिन से बंद है ये? अब देखते हैं, दो दिन से हम लोग आते हैं, घूम के चल जाते हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी से आते हैं, जाते हैं।